हेलो एंड वेलकम टू न्यूज क्लिक। न्यूज क्लिक में आप सबको मैं आमंत्रण कर रहा हूं। मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था और आज चर्चा का विषय है मध्य प्रदेश का जो उपचुनाव के 28 विधानसभा केंद्र से उपचुनाव हो रहे। इस 10 नवंबर को हमें मालूम पड़ेगा ये कौन जीता कौन हारा। कभी थोड़ा भी संभावना है कि कमलनाथ का सरकार वापस आ जाएंगे, या साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार, शिवराज सिंह चौहान का सरकार रहेगा, ये एक सवाल है। फिर भी ये जो 28 जो उपचुनाव है ये क्यों महत्वपूर्ण है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक भविष्य के बारे में भी हम थोड़ा बहुत बात करेंगे। आज मेरा साथ ग्वालियर से जोड़ रहा है राजनीतिक विश्लेषक सुदीप श्रीवास्तव। सुदीप जी धन्यवाद, आपने न्यूज क्लिक का दर्शक को आपका समय दिया। हम पहले धन्यवाद आपको। आने वाले 10 तारीख को क्या होगा नहीं होगा, उससे पहले हम थोड़ा दो चार कदम पीछे हट के शुरू करते हैं। दिसंबर 2018, 15 साल भारतीय जनता पार्टी का सरकार थे, शिवराज सिंह चौहान 3 बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया, और दिसंबर 2018 में जो 230 विधायक में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को 108 मिला, कांग्रेस को मिला 114 और 8 निर्दलीय समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के साथ 7, ये 8 में 7 विधायक चला गया, तो 121 विधायक कांग्रेस के साथ कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। मार्च महीना में ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप जानते हैं क्या हुआ, 22 कांग्रेस विधायक को लेके पहले, उसके साथ बाद में 3 और गया, और ठीक लॉकडाउन का एक दिन पहले 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान जी 4th बार मुख्यमंत्री का पद में घोषणा किया। तो अगर आप थोड़ा पीछे हटके देखिए, आप क्या समझते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, कांग्रेस सरकार गिराने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ठीक एक दिन पहले तक सांसद, लोकसभा, राज्यसभा को एडजर्न नहीं किया, और ठीक शाम के समय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बना और 24 मार्च का दिन लॉकडाउन का घोषणा हुआ। तो अब किस तरह से ये जो क्रोनोलॉजी है, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, किस तरह से आप किस नजर है नजरिया से आप देखते? देखिए परंजय, ये आपने बहुत अच्छा बिंदु उठाया है। 11 मार्च को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था। 12 मार्च को 11 मार्च 12 मार्च आई थिंक 12 मार्च हाँ 12 मार्च और उसके 2-3 दिन के अंदर भारत की सरकार को भी ये समझ में आ गया था कि आज नहीं तो कल हमको लॉकडाउन में जाना है। लेकिन लॉकडाउन हम 25 से करने वाले हैं, ये अनाउंसमेंट केवल इसीलिए नहीं किया गया जिससे कि ये जो पूरा का पूरा नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो पूरा ड्रामा था, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फ्लोर टेस्ट करिए, फिर 21 को फ्लोर टेस्ट हुआ, ये सारी चीजों के कारण इस लॉकडाउन की जो पहले की जो तैयारी थी वो कुछ भी नहीं की गई और लोगों को पूरी तरह अंधेरे में रखा गया। ये इस जो गड़बड़ी है, इसका प्रभाव केवल मध्य प्रदेश में नहीं पड़ा है, इसका परिणाम पूरे देश ने भोगा है कि अचानक जब 24 तारीख की रात को पूरा लॉकडाउन हो गया और उसके बाद लोग 1 महीने से 1.5 महीने तक सड़कों पर चलते पाए गए, तब आपको यह समझना होगा कि ये केवल और केवल मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए
ये जानबूझकर घोषणा नहीं की गई थी। ये आज भी बहस का विषय है कि लॉकडाउन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर लॉकडाउन मोदी सरकार करने वाली थी तो उसके पहले कम से कम 10 से 12 दिन का प्रायर नोटिस पब्लिक को कि आपको जहां जाना है वहां जाइए, 25 तारीख से ये देश में लॉकडाउन होगा, इसकी जानकारी नहीं दी गई। और उसका परिणाम है कि सड़क पर बहुत लोग मारे गए, बहुत एक्सीडेंट भी हुए, और जो मजदूर हैं जो भारत को बनाते हैं उन लोगों ने बहुत ही भयंकर कष्ट झेला। और जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ सारी चीजें सामान्य हो गई और लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। सुदीप जी, आप कह रहे हैं ये जानबूझ के किया गया, क्योंकि आप जानते हैं 16 मार्च को कमलनाथ जी ने अपने पद से रिजिग्नेशन दे दिया, उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उनको मालूम 16 मार्च को नहीं दिया है। 16 मार्च को जो असेंबली का सेशन था, वो असेंबली का सेशन स्पीकर ने एडजर्न किया कि हम कोरोना के कारण सेशन नहीं करेंगे, इसके अगेंस्ट बीजेपी सुप्रीम कोर्ट गई। मैं माफी मांग रहा हूं, आपने ठीक कहा, सुप्रीम कोर्ट गया, मगर मेरा कहना था कि उससे पहले ये जो 22 विधायक ये बेंगलोर चले गए थे, उसके बाद 3 और उनके साथ चले गए, और आप जानते हैं जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने खुद उसमें थे, मंत्री और भी थे, और आप ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह जी ने ये जो 22 एमएलए का जो रेजिग्नेशन का जो चिट्ठी है ये भी उनके साथ था। बिल्कुल सही है। ये 21 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सेशन बुलाइए, उसके बाद सेशन कॉल हुआ है। जो परंपरा होनी चाहिए, कोई विधायक अगर इस्तीफा देना चाहता है तो उसको स्वयं आना चाहिए स्पीकर के सामने, वो चीज भी नहीं पूरी हुई, और बीजेपी के नेता कांग्रेस के विधायकों का त्याग पत्र ले जाकर दे रहे थे। तो ये पूरा का पूरा एक ऑर्केस्ट्रेटेड था और उसके तहत ये किया गया है। आपको क्या लग रहा है ये ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों किया? आप जानते हैं, हम जानते हैं, ठीक है, उनका परिवार में बहुत सारे लोग का एक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, मगर तो राहुल गांधी का बहुत ही नजदीक थे, ही वॉज वेरी क्लोज टू हिम, मगर ये क्या उनका सिर्फ एक व्यक्तिगत आकांक्षा अपने एम्बिशन के लिए किया? सब कुछ जो राजनीतिक जो विचारधारा उन्होंने बिल्कुल भूल गया क्या? अभी तक तो उन्होंने, ठीक है, राज्यसभा सांसद बन गए, वो तो शायद कांग्रेस में रहने के बाद भी राज्यसभा सांसद बन सकते थे। बिल्कुल। क्या मंत्री पद के लिए कि ये सारे चीज उन्होंने किया? क्या आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने देखा, आप उनका जो चाल चलन आप जानते हैं, उन्होंने क्यों किया? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मेरा तो ये मानना है कि जब नतीजे आएंगे इन चुनावों के, तो उसमें कोई नुकसान में जाए या ना जाए, जो शख्स सबसे ज्यादा नुकसान में होगा वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। कांग्रेस में वो उसकी पकड़ और उसका दखल, राहुल गांधी ने तो ये तक कहा था कि वो मुझसे बिना अपॉइंटमेंट के सीधे मेरे घर आते थे। तो ऐसी दखल रखने वाला आदमी जिसका एज भी 45 के आसपास ही रहा, ज्यादा नहीं है, कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जो है वो 70 के आसपास के नेता है। अगर आप देखें मध्य प्रदेश में, अगर कोई व्यक्ति 5 साल भी अपने आप को पेशेंस रखता है तो अगली पीढ़ी में सिंधिया से बड़ा कोई नेता नहीं था कांग्रेस में। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से ये पूरा का पूरा उन्होंने डिसीजन लिया है, इसमें मंत्री पद जो केंद्र में, जो लोकसभा चुनाव वो हार गए थे, और केंद्र में मंत्री बनने की जो आकांक्षा थी वो तो एक हिस्सा है ही। एक और बात आती है सामने कि जो जमीनों के बहुत सारे मामले हैं ग्वालियर और शिवपुरी में, जिन पर
राज्य सरकार ने बहुत सारी कार्रवाई कर रखी थी उन जमीनों के मामलों को भी ठीक से सुलटाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभवतः बीजेपी का दामन थामना उचित समझा। ये एक अलग बात है कि राजनीतिक रूप से मैं ये मानता हूं कि नतीजे ये कंफर्म करेंगे कि उन्होंने एक ब्लंडर किया है। चलिए ये समय बताएंगे, मगर देखिए ये तो साफ है कि ठीक है ग्वालियर का इलाका में बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ राजनेता है जो बहुत सालों से सिंधिया परिवार के खिलाफ उनका उन्होंने विरोध किया, उनका लड़ाई था। इसमें हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री भी है नरेंद्र सिंह तोमर जी है, आपका आपका शिवराज सिंह चौहान जी के जो मंत्री है जो आपका नरोत्तम नरोत्तम मिश्रा जी है, और एक और नेता है परंजय जी, वो है जयभान सिंह पवैया। वो पिछले बार हार जरूर गए थे लेकिन जयभान सिंह पवैया वो आदमी है जिनकी पूरी राजनीति सिंधिया के विरोध में है और वो कई सालों से हर रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के दिन एक यात्रा निकाल के सिंधिया को गद्दार के रूप में कंडेम करते रहे। तो एक बहुत डीप रूटेड हेट्रेड बीजेपी के एक पर्टिकुलर कैडर सेक्शन में है कि सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया फैमिली के लिए, इस डिस्पाइट द फैक्ट कि राजमाता सिंधिया बीजेपी के साथ रही और सब कुछ हुआ, लेकिन आसानी से खत्म होने वाली दरार नहीं है। आपका क्या कहना है, इन लोग इस बार जो उम्मीदवार है जो कांग्रेस का राजनेता थे आज वो सिंधिया जी के साथ चले गए, इनको मदद नहीं करेंगे? अब चुनाव ग्राउंड चुनाव का जब जमीनी स्तर पे जब चुनाव में क्या क्या कहेंगे ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो जो सब जो समर्थन करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, जिनका नाम आपने अभी अभी किया, नरोत्तम मिश्रा जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, जयवर्धन सिंह पवैया जी, इन सब के इन सब लोग क्या उम्मीदवार को ये जो आज भारतीय जनता पार्टी में है जो कुछ दिन पहले कांग्रेस में थे इनको मदद नहीं करेंगे? देखिए सबके अपने अपने लोकल इक्वेशन बहुत स्ट्रांग है। नरोत्तम मिश्रा जिस जगह से आते हैं वहां पर अब इमरती देवी कैबिनेट मंत्री है, उसके पहले तक जब तक वो कांग्रेस में थी तब तक नरोत्तम मिश्रा को वो खलती नहीं थी। आज की डेट में नरोत्तम मिश्रा जिस इलाके का पावर सेंटर है वहां एक पैरेलल वोकल दलित महिला लीडर बन के आई है जो बीजेपी में मंत्री बन गई है। नरेंद्र सिंह तोमर कभी ना कभी ये सोचते थे कि शिवराज अगर फेल हो गए हैं तो मुख्यमंत्री के रूप में उनका नंबर आएगा, लेकिन जब ये समझौते के तहत भी हो रहा है तो दोबारा शिवराज मुख्यमंत्री बने हैं। और तीसरी बात यह है कि अगर सिंधिया के सारे लोग जीत जाते हैं तो केंद्र में जो दबदबा आज मुरैना संभाग के सबसे बड़े नेता के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर जी का है वो दबदबा नहीं रह जाएगा। तो ये देखिए राजनीति हमेशा याद रखिए परंजय, राजनीति आदमी स्वयं को केंद्र में रख के करता है, जैसे ही वो केंद्र से खसकता है तो सारी मान्यताएं टूट जाती हैं और लोग इधर से उधर भाग जाते हैं। तो जो अगर अपने केंद्र और अपनी जमीन को बचाने के लिए आज पूरे इलाके में माने ग्वालियर चंबल संभाग में ही केवल 16 विधायक हैं जो पूरे सिंधिया के साथ गए थे, उन 16 में से मुझे लगता है कि बीजेपी उनमें से 4-5 से ज्यादा को बहुत विलिंग नहीं है कि वो जीते। माने इनफैक्ट सच्चाई ये है कि बीजेपी को केवल 8 सीट चाहिए सरकार बचाने के लिए 28 में से। बिल्कुल, एक मिनट, ये सारे मैं बाद में आ रहा हूं आपके पास। ये जो गणित है, जो विधानसभा का गणित है 28, 8, 24, ये सब हम बात करेंगे, मगर उससे पहले ये जो अभी चुनाव आयोग जी कमलनाथ जी के खिलाफ कहा कि आपने जिस तरह से जिस भाषा इस्तेमाल किया इमरती देवी का खिलाफ, आप वो जो स्टार कैंपेनर है आप नहीं है, मतलब जो भी अगर आप किसी विधायक के या किसी उम्मीदवार के लिए आप चुनाव प्रचार करेंगे तो खर्चा वही विधायक का खाता में आ जाएगा,
साथ साथ हाँ कैलाश विजयवर्गीय जी को भी कुछ कहा कि आप भी ठीक तरह से शब्द इस्तेमाल नहीं किया, मगर ये जो चुनाव आयोग का ये जो जो बिल का जो आचार संहिता तक जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट की उल्लंघन इन्होंने किया, इसका कोई असर पड़ेगा? क्योंकि अभी तो ज्यादा समय बाकी नहीं है, अभी चुनाव देखिए तो... जहां तक कमलनाथ जी के उस बयान की बात है, वो उन्होंने खुद कहा कि कहते कहते उनके मुंह से निकल गया, लेकिन अगर उस पूरे पूरे स्टेटमेंट को या पूरे भाषण को आप लगातार देखें तो वो कोई टारगेटेड अटैक नहीं था। वो जैसे कोई आप आम भाषा में हम बात करते हैं और बोलते बोलते मुंह से वो शब्द निकल गया। उसके लिए उन्होंने कहा भी कि मैं इसका अफसोस है, माफी नहीं मांगी, यहां तक बात उन्होंने कही। लेकिन जिस तरह से उस पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है और ऐसी कार्रवाई की आपका स्टार कैंपेनर का दर्जा हटाया, दिल्ली का चुनाव ज्यादा पुराना नहीं है, प्रवेश वर्मा ने क्या कहा था, अनुराग ठाकुर ने क्या कहा था कि गोली मारो सालों को, और प्रवेश वर्मा ने कहा था कि ये धर्म के लोग आपके घर में घुस के लड़कियों को उठा ले जाएंगे, ये सीधे सीधे 153A का ऑफेंस था। उसके बाद भी उनका कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई, और उसके मुकाबले कमलनाथ जी पर यह कार्रवाई होना, जबकि वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है। एक मिनट, क्लियर बता, आपका कहना है कि हमारे जो संवैधानिक जो संस्था है, जो चुनाव आयोग है, उनका डबल स्टैंडर्ड अलग अलग मापदंड हो गया, एक कांग्रेस का राजनेता के लिए और एक भारतीय जनता पार्टी का राजनेता है। ये बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। देखिए अभी आप लगातार जो चुनाव आयोग के जो कार्यकलाप आप देख रहे हैं, एक समय था जब चुनाव आयोग, जब राव साहब बिहार में चुनाव कराते थे या शेषन थे, तब चुनाव आयोग को लोग एकदम सेक्रेट इंस्टीट्यूट मानते थे। पिछले कुछ सालों से जिस तरह से चुनाव आयोग ने एक माने सत्ता में बैठी बीजेपी के तरफ सॉफ्ट रवैया अपनाया है, ये क्राइसिस तो एक्चुअल में उनको महसूस करना चाहिए कि उनकी क्रेडिबिलिटी पर लोग उंगली उठा रहे हैं। ये देश के लिए अच्छा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ा चुनाव कराता है और मोर और लेस ठीक कराता है, उसमें अगर इस तरह से क्लियर दिखने वाला अपेरेंट एकदम अगर बायस झलकेगा, तो ये चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि चुनाव आयोग इसमें क्या कर रहा है। अच्छा सुदीप जी, अभी चलते हैं, थोड़ा आगे बचाते हैं, जो हमने आपने शुरू किया, मैं आपको रोक दिया, आंकड़ा जो जो अभी गणित है, ये 230 विधायक है मध्य प्रदेश विधानसभा में। अभी कांग्रेस को अगर कमलनाथ जी या जो भी कांग्रेस को सरकार बनाना है, गठन करना है नया सरकार, तो ये 28 में हर उपचुनाव में हर विधानसभा केंद्र से कांग्रेस का उम्मीदवार को जीतने का जरूरत है। सब लोग कह रहे हैं ये असंभव है। भारतीय जनता पार्टी को अगर 8 मिल जाता तो आसान से उनको बहुमत रह जाएगा, शिवराज सिंह चौहान जी का सरकार चलेगा। आपने आपका जो फर्स्ट पोस्ट में लेख लिखा था कि न्यूज 18 में, मैं माफी मांग रहा हूं दोबारा आपसे, उसमें आप लिख रहे कि मॉरल विक्ट्री फॉर कांग्रेस, अगर कांग्रेस 28 छोड़ दीजिए, अगर 20 मिल जाता है, ये भी एक तरह से एक जीत हो जाएगा, एक नैतिक जीत हो जाएगा, एक मॉरल विक्ट्री हो जाएगा। ये आप क्यों लिखा कुछ दिन पहले आपका लेख प्रकाश किया। देखिए इसमें ऐसा है कि अमूमन उपचुनाव में, बाई इलेक्शन में, मध्य प्रदेश में ज्यादातर जो गवर्नमेंट पे रहती है पार्टी, उसके लोग जीतते रहे हैं। पिछले बार ही 2-3 उपचुनाव जो 2013 से 2018 के बीच हुए, वो इसका एक्सेप्शन थे। अदरवाइज जनरली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये स्टेट है जहां बाई इलेक्शन में जो गवर्नमेंट में रहता है वो जनरली जीत जाता है। अगर मैं इसीलिए फिर कह रहा हूं कि अभी तो ये देखना बाकी है कि कितनी सीटें कांग्रेस जीत रही है, क्योंकि
28 में से, ये ठीक है 28 असंभव है लेकिन, या बहुत मिरेकल होगा तब जब संभव है, 28 में से अगर 24 सीटें भी कांग्रेस जीतती है तो वो सिंगल लार्जेस्ट हो जाएगी। उस स्थिति में जो मध्य प्रदेश विधानसभा का गणित है वो फिर से करवट लेगा, और बीजेपी अगर मान लीजिए 8-9 सीट जीत के सरकार बचा भी लेती है तो इट विल पेव वे फॉर अ राउट इन 2023, क्योंकि लोग इस बात से नाराज हैं कि 15 साल आप सरकार में थे, कोई एक साल दो साल पांच साल नहीं था, पर्याप्त टाइम आपको दिया था, और आज आपको हमने 5 साल किसी को दिया उसको भी आपने गिरा दिया। ये जो बीजेपी का एक लॉजिक है कि वोट परसेंटेज बराबर था इसलिए हम सरकार बना सकते हैं 2018 में, वो गलत इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने 2013 के मुकाबले 60 सीटों पर हार का सामना किया और उसमें से 56 सीटें कांग्रेस के खाते में गई, तो जाहिर बात है कि गवर्नमेंट को हटाने के लिए वोट हुआ था, और ऐसे में जो मैंडेट है, जो जनादेश है, उसको जिस तरीके से तोड़ा है उसकी नाराजगी तो है, और नाराजगी हर सीट पर है। ऐसा नहीं है कि केवल ग्वालियर चंबल में है, आप मल्हारा जाएं वहां भी है, आप नेपानगर जाएं वहां भी है, सभी जगह है नाराजगी। तो सुदीप जी आपका कहना है कि 10 तारीख के दिन, नवंबर का 10 तारीख के दिन जो भी नतीजा होता है, कांग्रेस को 4 मिलता है या 8 मिलता है, या सॉरी भारतीय जनता पार्टी को 8 मिलता है या 10 मिलता है, और कांग्रेस को 20 मिलता है या 24 मिलता है, जो भी है, जो भी आंकड़ा, आने वाले महीनों में मध्य प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा, यही आपको कहना? चलता रहेगा, यस बिल्कुल चलता रहेगा। और आप ये देखिए कि ड्यूरिंग इलेक्शन एक और एमएलए का रिजिग्नेशन कराया है बीजेपी ने, माने इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन क्या हो सकता है कि आप 22-25 लोगों का रेजिग्नेशन पहले करा चुके थे, अभी एक और एमएलए का रेजिग्नेशन इन्होंने दमोह के एमएलए का कराया, तो ये जो चीज है ये पब्लिक इज नॉट गोइंग डाउन वेल, और इसका अगर बीजेपी के इंटरनल पॉलिटिक्स में असर होगा तो उधर से भी कुछ बगावत आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। धन्यवाद सुदीप जी, आपने धन्यवाद बारीकी से सरल भाषा में मध्य प्रदेश का राजनीतिक स्थिति के ऊपर आपने विश्लेषण किया। सारे न्यूज क्लिक का दर्शक को आपको ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द व्यूअर्स ऑफ न्यूज क्लिक मैं आपको दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूं, और आप सब जो ये कार्यक्रम देख रहे आप लोग देखते रहिए न्यूज क्लिक। Thank you.